उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जमकर जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला किया गया और इन सब के बीच शनिवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने एक नया पोस्टर लगा जिसमें लिखा गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, जिसकी वजह से एक बार फिर यूपी के सियासी गलियारों में पोस्टर वॉर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे पहले सपा के कार्यालय के बाहर सीएम योगी के नारे पर पलटवार करते हुए पोस्टर लगाया गया था जिसमें अखिलेश यादव को 27 के सत्ताधीश बताया गया और इसमें लिखा था, न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस उद्देश्य में ही विकसित भारत की गारंटी और हम सबकी भलाई है, एक भारत समर्थ भारत। समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दावा किया कि शास्त्रों में भी लिखा है, एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। ये पहले से ही कहा गया है, हम लोग के शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आप बिखरे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। तो ये हम लोगों को एक संदेश है कि परिवार में भी आप यदि मिलजुल कर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, समाज में भी आप मिलजुल करके रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कमजोर होंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं, एक वर्ग जो है एकजुट रहे, दूसरा वर्ग बिखरा रहे, इनकी राजनीति ऐसे चलता रहे। इधर बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने विपक्ष पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि एक रहेंगे तो ही ठीक रहेंगे। इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बीजेपी के बटोगे और तो कटोगे के नारे का समर्थन किया है। फूट डालो राज करो, इसलिए अब हम ये नहीं होने देंगे और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है, अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बीजेपी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर यह साबित करता है कि अखिलेश यादव की रग रग में हिंदू विरोध है, ये समाज का बांटना चाहते हैं और हिंदुओं के जाति में बांटना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर ये साबित करता है कि अखिलेश यादव के रग रग में हिंदू विरोध है, ये हिंदू साधु संतों के प्रति समाज के अंदर घृणा पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए पिछले एक साल से उन्होंने प्रभु श्री राम के अयोध्या में दर्शन नहीं करे, ये समाज को बांटना चाहते हैं और ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। कुछ ही समय पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो गोरखनाथ मंदिर की तरफ बुलडोजर का रुख आगे करेंगे, इससे ये साबित होता है कि अखिलेश यादव का बस चले तो वो हिंदुओं के प्रति समाज में नफरत पैदा करे और हिंदुओं की जान अखिलेश यादव के शासन में खतरे में पड़ सकती है, पहले में पूर्व में भी खतरे में पड़ी है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे पर आरजेडी ने कटाक्ष किया। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी से सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। हमने एक लाइन में कहा कि भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे, भाजपा में सटोगे देश के दलित हिंदुओं, पिछड़ा हिंदुओं, अत्यंत पिछड़ा हिंदुओं, खुले तौर पर कान खोल करके सुन लो, इस देश के पिछड़ा दलित आदिवासी प्रगतिशील हिंदुओं, अगर भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे।